जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक सर्कल है, अब ये सर्कल का एक सेंटर है O, अब ये सेंटर O से यहां पर हम दो कोई भी दो पॉइंट हम सर्कल के ऊपर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए A और B, ठीक है, तो यहां से AO और BO को जोड़ती हुई एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियस, राइट। सो ये रेडियस हमें मिली है OA एंड OB, उसके जो इंटीरियर जो एरिया है वो एक बनता है सेक्टर, तो इसका जो इंटीरियर एरिया है वो बनता है सेक्टर पार्ट बनता है, और इसका हमें एरिया कैसे फाइंड करना, ठीक है। तो अब ये सेक्टर का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि एंगल AOB जो है वो एंगल को हम नाम देते हैं X, तो हमें यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, मतलब कि और आपको बीच में X की जो एंगल है वो दिया गया है, मान लीजिए 45 दिया गया है, तो 45 डिग्री अगर आपको दिया गया है तो वो 45 की मदद से आप फॉर्मूला अगर रखेंगे कि एंगल X अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला है, अब ये फॉर्मूला में अगर आप 45 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो आर की वैल्यू अगर आपको सम में दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे एक्टिविटी के द्वारा हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे वो हम आज सीखने वाले हैं, तो चलिए आज इसके लर्निंग सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम तीन कलरफुल पेपर जिसके ऊपर हम 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको कट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक के बदले तीन सर्कल क्यों लिए हैं वो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, और ये जो एक्टिविटी है वो मैं चार्ट पेपर के ऊपर कर रहा हूँ। आप चाहें तो छोटा सर्कल लेकर आप नोटबुक में भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पर तीनों सर्कल्स को पेस्ट कर दूंगा फेविस्टिक से। अब तीनों सर्कल्स के सेंटर को हमें नाम देना है C1, C2 एंड C3। तो दोस्तों सर्कल को नाम देने के बाद सेंटर में प्रोट्रेक्टर रख कर पूरे सर्कल को 45-45 डिग्री में डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमने पहले वाले सर्कल को 45-45 डिग्री में डिवाइड किया था पूरे सर्कल को, उसी तरह से दूसरे सर्कल को हम 60-60 डिग्री पे डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, यानी कि हमें 6 इक्वल पार्ट्स मिलेंगे इस तरह से। अब बढ़ जाते हैं तीसरे सर्कल की ओर, तो तीसरे सर्कल में ही भी हमें प्रोट्रेक्टर सेंटर में रख के हर 90-90 डिग्री पर डॉट रखने हैं और फिर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरह। क्या रिलेशन है एंगल्स का और उसके पार्ट्स का वो हम ये एक्टिविटी में सीखने वाले हैं, तो हम उसको बेटर तरह से ऑब्जर्व करें, इसलिए हमने तीन सर्कल बनाए थे और अब हम कोई भी रेडियस को PQ नाम देंगे इस तरह से। तो दोस्तों हमें तीनों सर्कल में अलग अलग तरह से हमें सेक्टर दिख रहे होंगे, क्यों ना हम उसे कलर करके क्लियरिफाई कर लें। अब ये चार्ट आपको समझना ज़रूरी है, देखिए यहाँ पर हमने तीन सर्कल लिए हैं, इसलिए सर्कल C1, C2, C3 को नाम से, फिर एंगल ऑफ सेक्टर जो कि हमने लिया है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हर एक सर्कल में इक्वल पार्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो 45 डिग्री वाला जो सर्कल है उसमें बन रहे हैं 8 पार्ट्स, तो हम नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स में लिखेंगे 8। अब देखिए दोस्तों एरिया ऑफ वन सेक्टर हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पहले लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा पाई आर स्क्वायर जो है वो पूरे सर्कल का एरिया है, लेकिन हमें यहाँ पर कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, इक्वल 8 पार्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि एक सर्कल का आठवां भाग हमें मिल रहा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/8 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला इसका कैसे बनेगा, तो कि जो भी एंगल्स आपका दिया है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर बनेगा 45 अपॉन 360 क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 होता है, मल्टीप्लाई बाय पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 आपको पता है, और जो भी रेडियस दिया है उसका स्क्वायर, यानी कि रेडियस इंटू रेडियस। इसी तरह से हम बाकी दो सर्कल में भी, दूसरे सर्कल में हमें मिल रहा है नंबर ऑफ इक्वल सेक्टर्स और अ पार्ट इज 6, और उसी तरह से पूरे एरिया का स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर होता है और 6 इक्वल पार्ट हैं, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और अगर हम उसकी एंगल वाइज वैल्यू लिखने जाएंगे तो 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो वहाँ पर हमें 4 इक्वल पार्ट्स मिल रहे हैं, यानी कि
एक पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट हमें ढूंढना है, इसलिए 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर हम उसका एरिया ढूंढने जाएंगे तो 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों हर एक्टिविटी के एंड में हमें लिखना होता है ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम तीनों सर्कल को ऑब्जर्व करके हम क्या सीख रहे हैं। जो अगर आप लास्ट वाला कॉलम देखें तो वहाँ पर जो भी आपको एंगल दिया है अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर सीख रहे हैं ये एक्टिविटी से। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से आपने कुछ जरूर सीखा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।